नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पात्र। आज के समय में हर कोई मोबाइल इस्तेमाल करते दिखता है, चाहे बच्चा हो या बड़ा। कुछ लोग काम के समय में भी मोबाइल इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं और इसमें पेशेवर लोग भी शामिल हैं। अब तो पुलिस वाले की भी ड्यूटी के दौरान मोबाइल इस्तेमाल के कारण हुई चूक के कई मामले सामने आते रहते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों पर अनावश्यक मोबाइल के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ड्यूटी के दौरान विश्वस्त सहकर्मी के पास मोबाइल जमा कराना होगा। आदेश न मानने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पुलिस आयुक्त ने निर्देश भी जारी कर संबंधित अधिकारियों को पत्र भेज दिया है। मोबाइल के इस्तेमाल के कारण बढ़ते सुरक्षा चूक के मामलों का संज्ञान लेते हुए यह फैसला लिया गया है। सुरक्षा में चूक के कई मामले पिछले कुछ दिनों में सामने आए थे। अब प्रशासन ने इस मामले में बड़ा कदम उठाया है और इसको लेकर 3 बिंदु बनाकर एक आदेश दिया गया है। पहला बिंदु है कि पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान अपना मोबाइल विश्वस्त सहकर्मी के पास जमा करेंगे, ताकि अति आवश्यक मैसेज या कॉल आने पर ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मी को सूचना दी जा सके। दूसरा बिंदु है, ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मी अनावश्यक मोबाइल का इस्तेमाल करते या गेम खेलते पाए जाते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तीसरा बिंदु है, अक्सर देखने को मिलता है कि वीवीआईपी ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मी फोटो और सेल्फी लेने में व्यस्त रहते हैं, इससे सुरक्षा में चूक हो सकती है। अब ऐसी लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आयुक्त ने यह आदेश जारी कर संयुक्त पुलिस आयुक्त समेत सभी जोन के डीसीपी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों को भेज दिया है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि पुलिस बल को आदेश के बारे में जानकारी दे दी जाए। इसके अलावा आकस्मिक चेकिंग कर लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उधर लखनऊ पुलिस के इस कदम को हाल ही में हुई मथुरा की घटना से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जिसमें बांके बिहारी मंदिर में हुई बद इंतजामी के कारण 2 भक्तों की मौत हो गई थी, जिस पर पूरा मथुरा पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में था। आरोप लगे कि पुलिस वाले वीडियो बना रहे थे और भीड़ में लोगों का दम घुट रहा था। बहरहाल मथुरा ना सही, राजधानी लखनऊ ही सही। पुलिस वालों का फोन बैन करना कितना सही है, इस पर अब आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।